राज्य में अब केवल 980 रुपए में कोरोना का RT-PCR टेस्ट हो सकेगा। प्रदेश की निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR की नई जांच दर न्यूनतम 980 और अधिकतम 1800 रुपए तय की गई है। लॉकडाउन में बंद पड़ी आपली बस परिवहन व्यवस्था बुधवार यानी 28 अक्टूबर से शहरवासियों की सेवा में होगी हाजिर। 90 बसों के साथ शहर बस सेवा शुरू करने का लिया गया निर्णय। पहले दिन 90 बसें होगी रवाना। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। MBBS 70/30 फॉर्मूले से प्रवेश पर 10 नवंबर तक लगेगा ब्रेक। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अंतिम सत्र की परीक्षा में गड़बड़ियों का दौर लगातार जारी। सोमवार को MA की परीक्षा में भारी तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली। आश्चर्य में पड़ रहे परीक्षार्थी। जिले में 48 घंटों में 479 नए मरीज, 31 की हुई मौत, 362 अब भी शहर में है संक्रमित। यशोधरा नगर में बिनाकी मंगलवारी पोला मैदान के पास पुलिस की हुई कार्रवाई। छापा सट्टा लगाते ही पकड़े गए 4 आरोपी, 2 क्रिकेट बुकी गिरफ्तार। अपने चाचा चाची और उनके बेटे की रिवॉल्वर का डर दिखाकर उनसे 10 लाख का हफ्ता मांगने के मामले में अजनी पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुमित चिंतलवार को 24 अक्टूबर की देर रात किया गिरफ्तार। भाजपा की शहर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने विविध महत्वपूर्ण पदों पर नए व अनुभवी कार्यकर्ताओं को दी जवाबदारी। सीएम पर आपत्तिजनक ट्वीट, आरोपी 30 तक PCR में, 25 अक्टूबर को राजकोट से किया था गिरफ्तार। नागपुर के अलावा मुंबई में भी दर्ज हुआ है मामला। और शहर में विजयदशमी के मौके पर शहर में 3 बड़े हुए आयोजन। पारंपरिक पर्व के साथ सामाजिक संदेश भी दिया गया।